आपने आइन की बात की, वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इससे पहले इन्होंने ज्यादा सरकार चलाई है, टाइम इनके पास ज्यादा था, हुकूमत इन्हीं के पास ज्यादा थी, सदर रियासत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने किया है। गिनूंगा नहीं कितने साल किसने किए, लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी जो हमारे स्पेशल स्टेटस है या जो हमारे 370 के तहत जो हमें सारे पावर्स मिल गए थे वो किसके दौर में कम होना शुरू हो गए। मैं आज भी मान के चलता हूं कि अगर 2014 में पीडीपी ने हमारा दोस्ती का हाथ पकड़ा होता आज हम इस मुश्किल में नहीं होते। आज हमारा अपना आइन होता, महफूज होता, हमारा अपना झंडा होता, हमारा अपना 370 होता, क्योंकि वो हुकूमत जो है 2021 तक चलती और फिर नए इंतखाबात होते, तो 2019 का ये होता ही नहीं। सरकार का ये भी दावा है कि पथराव से लेके जो आज टूरिज्म ये आपके दौर में या जो पॉलिटिकल रिजीम थे जो यहाँ की जो तबाही मचा दी थी इस पॉलिटिकल रिजीम ने, तो ये इन्हीं की ये सवाल। उमर साहब, केएनएस के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया, क्योंकि आपने आज केयर्न वैली का दौरा भी किया, आपने वहाँ तकरीर की, तो आप ये बताइए कि पिछले 5-8 दिन से आप नॉर्थ कश्मीर के दौरे पर हैं, तो क्या लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों का? मैं इतना मेरी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो है लोग बाहर आएंगे। मेरे तमाम प्रोग्राम में जो लोगों की शिरकत रही, चाहे हमारे बड़े जलसे, छोटे मीटिंग, रोड शोज, जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम रहे, अल्लाह की मेहरबानी है कि बड़े कामयाब रहे और लोगों के तरफ से जो प्यार, जो मोहब्बत मुझे मिली, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में लोगों का शुक्रिया करूँ। इसके साथ साथ मुझे इस बात का भी एहसास है कि लोगों का इस तरह हमारे साथ जुड़ना, उससे मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। अगर लोगों की तरफ से मुझे कोई खास रिस्पांस मिला नहीं होता तो मैं ये समझता कि शायद लोगों को मुझसे कोई खास उम्मीद भी नहीं है, लेकिन इतने मतलब भारी तादाद में इनका जुड़ना, उससे मैं ये मतलब निकाल रहा हूँ कि उम्मीदें भी बहुत हैं और जाहिर सी बात है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। कुपवाड़ा ज़िले के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पे मैं बराबर उतर आऊं। उमर साहब, इससे पहले भी क्योंकि आपके 3 कैंडिडेट पार्लियामेंट में थे एब्रोगेशन आर्टिकल ये हटने के बाद, तो लोगों का ये मानना है कि उन्होंने उस तरीके से तर्जुमानी नहीं की जिस तरीके से तर्जुमानी करनी थी, वहाँ उस तरीके से वो सामने नहीं आए, तो कितने क्या सच्चाई है, तो क्या है? एक तो उनमें से बंद थे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरी तरह और मेरे साथियों की तरह जो है वो नज़रबंद किए गए थे, घर में बंद थे। मैं गेस्ट हाउस में था, मेरे और साथी जो हैं वो सेंट्रल होटल में थे। एक ही साहब का वजीर आला था जो खुलेआम घूम रहा था, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, बाकी हम सब जो हैं कहीं ना कहीं बंद थे। और हमारे 2 मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा में, उनकी जहाँ तक हो सके उन्होंने कोशिश की नुमाइंदगी करने की और वहाँ पे पार्टी के तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम के तरफ से बात रखने की, लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो मेंबरों का लोकसभा में अब वो कितना शोर मचा सकते हैं, कितनी बात कर सकते हैं, 2 मेंबर राज्यसभा में जो है और कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा मेंबरों की तादाद कम है, वहाँ शोर कम होता है। लोकसभा में 500 से ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन उस बात के बावजूद मैं अपनी जगह मुतमईन हूँ कि जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो क्या उम्मीद, अगर आप यहाँ से जीत के जाएंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 500 वाली उस पार्लियामेंट हाउस में 3 लोगों की क्या राय रख सकते हैं आप, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से आप वो जो मतलब हम ये इलेक्शन हम अकेले नहीं लड़ रहे ना। 2019 में हम किसी अलायंस के हिस्सेदार नहीं थे, बेशक हमने बीजेपी के खिलाफ जो है जम्मू और उधमपुर में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन बाकी जगहों में हमने
किसी अलायंस या किसी ब्लॉक का साथ नहीं दिया। इस बार हम ये इलेक्शन अकेले नहीं लड़ रहे हैं, हम इंडिया ब्लॉक के तरफ से लड़ रहे हैं। तो यहाँ हमारे सिर्फ 3 मेंबर नहीं होंगे, जितने इंडिया ब्लॉक के मेंबर जीत के जाएंगे वो हमारी आवाज़ जो है और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम बढ़ चढ़ के जो है पार्लियामेंट के जो वहाँ पे जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, डिबेट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनमें हिस्सा लेके जम्मू कश्मीर के आवाम की जो है जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे हम। उमर साहब, इससे पहले जब भी हमने आपके मैनिफेस्टो के हवाले से, आपका मैनिफेस्टो हुआ करता था कि ऑटोनॉमी, रेस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी, तो आज आपने डिग्निटी कहा कि हम बहाल करेंगे, विकार को बहाल करेंगे जो हमसे छीना गया है। तो आपको लग रहा है कि दूसरे तरफ पीडीपी वही बोली बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको इकट्ठा चलना चाहिए? तब इकट्ठा ना चलने का फैसला हमारा नहीं था, उनका था। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि इंडिया ब्लॉक के खिलाफ वो क्यों गए, पीएजीडी के खिलाफ वो क्यों गए, क्योंकि पीएजीडी के जो बाकी मेंबर हैं वो हमारे साथ मिलके ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो सीपीएम हो। अगर हम इंडिया ब्लॉक की बात करें तो कांग्रेस और सीपीएम जो है बराबर के हमारे कैंपेन में शरीक हैं और हमारे उम्मीदवारों की मदद कर रहे हैं। तो पीएजीडी या इंडिया ब्लॉक के खिलाफ उम्मीदवार जो हैं वो पीडीपी ने उतारे। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी नीयत इन अलायंसेस को लेके जो है उनकी नीयत साफ नहीं थी। वो इन अलायंसेस में आए थे सिर्फ सीट हासिल करने के इस लालच से, और जब उनको सीट मिला नहीं तो वो छोड़ के अब बीजेपी की मदद कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ इंडिया ब्लॉक कर रही है, और जो इंडिया ब्लॉक के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं वो बीजेपी की मदद करने के लिए उतार रहे हैं। और हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी पीडीपी ने बीजेपी की ही मदद की थी 2014 के इंतखाबात के बाद। हमारी ये हालत नहीं होती जम्मू कश्मीर में अगर पीडीपी ने उस वक्त बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाया होता। और अब सुनने में आता है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उस वक्त मुफ्ती साहब के बड़े करीब साथी जो फिर अलग होके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अल्ताफ बुखारी, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी और पीडीपी का रिश्ता जो है वो 2014 के असेंबली इलेक्शन से पहले ही तय हो गया था। तो ये मैडम का मानना है कि हमने तारिक अहमद साहब को बीच में लाया था नेगोशिएशन के लिए, हमने बहुत कोशिश की थी कि इसमें पीएजीडी को किसी तरीके से आगे लेना है, तारिक अहमद साहब ने भी फारूक साहब, डॉक्टर साहब के पास गए, उमर साहब बहुत बड़ी रुकावट थी। मैं कौन सा रुकावट था ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनका फैसला हमारे सिर आंखों पे, और मैं वहाँ बातचीत में मौजूद था। मतलब हमसे पूछा गया कि क्या कोई गुंजाइश है सीट देने की, और मैंने उनको वही बात याद दिलाई जो मैं बार बार दोहराता हूँ। देखिए ना असम साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, किसी भी अलायंस में सीट शेयरिंग के लिए एक फॉर्मूला तय होता है। अब आपको याद होगा जब डीडीसी के इंतखाबात हुए, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, मेरे साथियों ने ये मांग रखी कि हमें 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है सीट का फैसला करना चाहिए डीडीसी के। उस दौरान दोनों, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दोनों ने एतराज़ जताया, दोनों ने कहा कि ना ये हम नहीं मानेंगे। और जाहिर सी बात है, क्योंकि 2019 के पार्लियामानी इलेक्शन में दोनों तंजीमों की हालत काफ़ी खस्ता थी। अनंतनाग में पीडीपी तीसरे नंबर पे आई, यहाँ पे बारामूला की सीट पे पीसी तीसरे नंबर पे आई, और कई सारे ऐसे असेंबली सेगमेंट्स हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड मिली थी। तो उन्होंने कहा कि आप डीडीसी का फैसला जो है पार्लियामेंट के नतीजों के बुनियाद पर नहीं कर सकते हो, आप 2014 का असेंबली ले लीजिए और उससे हमें सीट शेयरिंग करिए। हालांकि उस बात से हमें नुकसान हुआ, फारूक साहब ने जोर दिया और हमने इस चीज को माना। जहां जहां पीसी का एमएलए बना हुआ था 2014 में, डीडीसी के मैंडेट वहां उन्होंने तय किए, जहां पीडीपी का था वहां उन्होंने तय किए। अब आप मुझे बताइए, अगर डीडीसी के लिए 2014 का असेंबली सही था तो
तो 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए क्या 2019 का नतीजा सही नहीं था? वो फॉर्मूला हमने तय किया, हमने उसी फॉर्मूला के तहत जो है कांग्रेस से कहा कि ये 3 सीटें हमारी और जो 3 सीटें बचती हैं जो बीजेपी के पास थी उन पे कांग्रेस फैसला करे, और हम जहाँ पे हैं वहाँ पे हैं आज। तो अलहदा अलहदा ये करने से आपको लग रहा है कि ये इसका अलहदा करने का फैसला हमारा नहीं था। मैं फिर ये बात दोहराता हूँ, मैंने कांग्रेस के साथ जब हम सीट शेयरिंग पे बात कर रहे थे, मैंने कांग्रेस से बार बार कहा कि हम पीडीपी के साथ असेंबली में जो है मिलके इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश जो है वो उस पे हम उसको खुला रखेंगे, हम उसके लिए दरवाज़ा खुला रखेंगे, और अगर पीडीपी जो है उनका इसमें रवैया सही रहा और उन्होंने इंडिया ब्लॉक की मदद की तो हम मिलके असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन पीडीपी को ये बात सही नहीं लगी और वो मैदान में खुद उतर गए। उमर साहब, एक लोगों का एक जेन्युइन सवाल है, वो बार बार लोग वो पूछते भी बोलते भी कि इन लीडरों तक ये पहुँचाएं, वो ये है कि जब आप लोग तकरीर के लिए निकलते हैं, आपने जितने भी लीडर्स हैं तो ज़बरदस्त एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालना, फिर ज़ाती तौर पर अटैक करना, ये लोगों में बहुत बड़ा सवाल है कि ये कहते हैं कि फिर ये कभी कुमार नहीं देखते हैं कि खुशी हो गम हो, कभी मिलना हो आपस में इनका तो उसकी गुंजाइश भी नहीं रखते हैं। दूसरा ये है कि कभी कभी ये मिलते हैं चोरी छुपी, हमें लड़ाते हैं आपस में, क्या कहेंगे इस पर? मैं दूसरों के लिए बात कर नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा, अपनी तंजीम की बात करूँगा, अपने सदर की बात करूँगा। मुझे बताइए ना, कहाँ पर हमने पर्सनल हमला कोई किया हो, कहाँ पे हम गाली गलौज पे उतरे हों, कहाँ पे हमने कोई ऐसी बात की हो जिससे कि हमारे लिए कल आपस में मिलना जो है वो मुश्किल होगा। मेरे तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से, हमारे सदर साहब की तरफ से कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी तकरीर नहीं हुई है जिसमें इस तरह की बात हुई हो। मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं मेरे खिलाफ जो इलेक्शन लड़ते हैं या हमारे जो अपोजिट पार्टीज हैं, मैं उनको दुश्मन नहीं मानता हूँ। मैंने कभी उनको दुश्मन कह के नहीं पुकारा है, मैं उनको मुखालिफ समझता हूँ। हम उनकी मुखालफत करते हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं करते, और मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं उतने ही अल्फाज इस्तेमाल करूँ और उतने ही बात करूँ कि कल को अगर कहीं किसी शादी में या कहीं ताज़ियत पे या कहीं सोशल फंक्शन में हम मिलें तो कम से कम आंख से आंख मिलके मैं उनसे हेलो तो कर सकूँ, उनको हेलो सलाम को तो कर सकूँ, हाथ तो मिला सकूँ, और ये हमेशा मेरा एक तरीका रहा है। सजाद लोन मेरे खिलाफ जितनी भी बातें कहें, जो भी कहें, जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो सलाम करता हूं, उनके हाल के बारे में पूछता हूं, यहां तक अगर हो सके, पिछले दिनों हम दिल्ली के हवाई अड्डे में थे, बहुत ज़्यादा पैदल चलना था, इत्तेफाक से मुझे वो बगी दी गई थी, सजाद साहब को चलना पड़ा, मैंने उनसे गुजारिश की कि मेरे साथ बैठें और हम टर्मिनल के एग्जिट तक एक साथ चले। तो मेरा ठीक है ना, हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और जो सजाद साहब की जो मुझे लगता है उनकी कोताहियां हैं या कमजोरियां हैं या जो उन्होंने गलतियां की हैं, मैं उन चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन जाती हमले जो है मैंने ना कभी किए हैं ना इंशाल्लाह आगे कभी करूंगा। तो सजाद साहब का ही सवाल अगर लेंगे हम, तो उन्होंने हाल ही में कहा कि मैं उमर साहब को चैलेंज करता हूं, अगर मैंने कभी कहीं बोला, जबकि उमर साहब ने कहा, उन्होंने बहुत सारी जलसों में कहा, बहुत सारी जगहों ऐसे तकरीरों में कहा कि मैं वो बीजेपी के साथ है, वो बीजेपी मैन है। देखिए तो, मैंने एक तकरीर के हवाले से बात की और ये इलेक्शन निकल जाने दीजिए, उसके बाद उनके जो वर्कर उस तकरीर में मौजूद थे जिन्होंने वहाँ से फिर उठ के बाहर निकल गए, मैं उनके नाम आपको दे दूंगा, आप बाद में उनसे बात करिएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन से पहले मुझे मालूम है ये एडमिनिस्ट्रेशन का कितना इस्तेमाल कर रहा है और मैं उनको जो है किसी तकलीफ में नहीं डालना चाहता हूँ, लेकिन इलेक्शन के बाद मैं आपको उनके नाम दूंगा। जहाँ तक उनका बीजेपी के साथ संबंध है, मैं अब कुछ बातें दोहराता हूँ, आप मुझे बताइए अगर मैं कहीं गलत हूँ। जब मुफ्ती साहब ने हुकूमत बनाई, ये सजाद लोन साहब उस हुकूमत में कैबिनेट के मिनिस्टर थे, किसके कोटा में? क्योंकि पीडीपी के कोटा में तो वो नहीं थे, उनको बीजेपी के कोटा से मिनिस्ट्री मिली या नहीं मिली? मिली। उसके बाद जब मिनिस्टर बने वो गोवा गए, उनको एक इनाम से नवाजा गया जो आरएसएस की तरफ से था,
वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड, क्या नहीं मिला उनको ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड? मुझे तो कभी नहीं मिला, फारूक साहब को कभी नहीं मिला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के किसी लीडर को नहीं मिला, ये जो है ये इनाम सिर्फ उनको दिया गया। उसके बाद उनका बयान, क्या उनका बयान नहीं था कि आरएसएस को रोका क्यों जाना चाहिए, उनको खुली आज़ादी है, वो कश्मीर में आके अपना जो है अपनी एक्टिविटीज़ करें, ये उनका बयान है, मुझे अभी भी याद है, एज मिनिस्टर उन्होंने ये बयान दिया। और आखिर में सबसे बड़ी बात, जब 2018 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक चिट्ठी के जरिए पीडीपी को जो है सपोर्ट करने का जो जो है एक फैसला किया, जब वो अल्ताफ बुखारी साहब को इस जम्मू कश्मीर का वजीर आला बनाने चाह रहे थे, उस वक्त सजाद लोन साहब ने भी वजीर आला बनने का दावा किया, चिट्ठी कहाँ से आई? उनको जो सपोर्ट की चिट्ठी आई थी वो बीजेपी की तरफ से आई थी, आई या नहीं? और आखिर में किसने दावा किया था कि वजीर आजम उनका बड़ा भाई है? मैंने नहीं, मेरे तंजीम में किसी ने नहीं, दावा सजाद लोन साहब ने किया। तो ये सारी चीजें क्या इस बात का सबूत नहीं है कि उनका जो है करीबी रिश्ता बीजेपी के साथ? तो ये कल ही उन्होंने बयान दिया कि ये जो तीन लोग, ये जो ना पाबंदी थी जलसे करने में, तो इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो, पीसी के एक, तो उन्होंने कहा कि उमर साहब वहाँ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जबकि सही ये था कि हमारे नुमाइंदे, हमारे हमें भी इजाज़त नहीं था जलसे करने का, उसका ये वो क्यों, वो हुकूमत क्यों क्यों बचाने पे लगा हुआ है? अगर उसको इजाजत नहीं थी तो शिकायत करता। सलाम अलैकुम। चलो आइडेंटिटी, हम कहाँ रुक रहे हैं? आइडेंटिटी की बात, चलो आइडेंटिटी की बात की आपने, आइडेंटिटी तो आप अभी कैरन से ही आ रहे हैं, आपने देखा है रोडों की खस्ताहाली और मासूम लोगों का हाल देखा, आपने अपने आँखों से देखा, खुद देखा, हालांकि सरकारें पहले से ही थी, सड़कों का हाल आपने अपनी तकरीर में भी बताया, वहाँ बहुत सारी बातें आपने की, तो आपको नहीं लग रहा कि डेवलपमेंट भी ज़रूरी है आइडेंटिटी के साथ साथ? डेवलपमेंट की बात भी हम करेंगे, किसने कहा डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे? डेवलपमेंट की बात भी होगी, पार्लियामेंट के बाद असेंबली के इंतखाबात होंगे, जुलाई अगस्त में होंगे, उस दौरान इंशाल्लाह हमारे जो उम्मीदवार हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें इन तमाम चीज़ों का जिक्र होगा, डिग्निटी की भी बात होगी, डेवलपमेंट की भी बात होगी। तो ये जो मैनिफेस्टो के हवाले से बात करेंगे, मैनिफेस्टो में आपने कहा आइडेंटिटी, ये ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अब आप वो ला सकते हैं जिसके लिए आप लोगों को बता रहे हैं? इंशाल्लाह वो जिद्दोजहद करेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हो सकता है वक्त लगेगा लेकिन हम ये लड़ाई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों का ये सवाल है कि अब उमर साहब ने अब नॉर्थ कश्मीर का दौरा भी किया, अब इस शुमाली कश्मीर के कैंडिडेट भी हैं, तो उमर साहब इससे पहले भी आपके तीन कैंडिडेट थे पार्लियामेंट में, लोगों का ये सवाल है कि उन्होंने क्या करके दिखाया वहाँ, जबकि हमारा 370-35 वगैरह वगैरह, तो उन्होंने कुछ दिखाया नहीं तो क्या है? एक तो उनमें नज़रबंद थे फारूक अब्दुल्ला साहब, हम बाकी जो हैं हम तो बंद थे, तो उनके खिलाफ तो आप सवालिया निशान उठा नहीं सकते हो। जहाँ तक मेरे दो और मेंबर थे, जितना लोकसभा के उस 550 मेंबरों के हाउस में जितना वो बोल पाए, जितना वो शोर कर सके उन्होंने किया, रिकॉर्ड पे कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों का जो इस फैसले को लेके एतराज़ था, जो नाराज़गी थी उसको वहाँ पे रिकॉर्ड पे लाया। और फैसला हुकूमत का दो लोग बदल नहीं सकते, वो तो यहाँ सब जानते हैं, लेकिन कम से कम रिकॉर्ड पे बात तो लाई गई कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस फैसले के साथ नहीं हैं। तो अकबर लोन साहब के बारे में भी एक सवाल है कि 5 साल में उन्होंने कभी कुपवाड़ा का दौरा नहीं किया, लोगों को मुंह दिखाया, तो क्या कहेंगे आप इस पर? जनाब आए थे लेकिन जितना लोगों को उनसे उम्मीद थी शायद उतना वो कर नहीं पाए, और पता नहीं लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पिछले चंद सालों से अकबर लोन साहब जो है उनकी तबीयत ख़राब रही है, उनको काफ़ी मतलब सीरियस बीमारी है जिसके वजह से वो सही माने में अपने काम को अंजाम दे नहीं सके, और यही वजह है कि हम दोबारा उन्हें यहाँ से
शुमाली कश्मीर की पार्लिमानी नशिस्त से हम उनको मैंडेट दे नहीं सके, हमें कैंडिडेट बदलाना पड़ा और मुझे यहाँ इलेक्शन लड़ने का मौका मिला। जो भी कमियां रह गई हैं, जो भी लोगों की उम्मीदें थी अकबर लोन साहब से जो पूरी नहीं हुई, मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैं उनको पूरा कर दूंगा और जो कमी रह गई है उसको मैं बराबर कर लूंगा। अकबर साहब, आपके हवाले से भी सवाल यह है कि आप नॉर्थ कश्मीर के लिए, हालांकि आप श्रीनगर से आपने हमेशा इलेक्शन लड़ा है या डॉक्टर साहब ने वहाँ से लड़ा है, तो आप शुमाली कश्मीर की तरफ आ गए, हालांकि आपको टूरिस्ट भी कहा गया है, तो आप ये मुझे बताइए कि ये पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफ था या और कोई इसमें तंजीम में कोई अंदरूनी इख्तलाफात नहीं थे। ये एक साजिश के तहत हमारे मुखालफों ने यहाँ कुछ इश्तहार और इस तरह की खबरें फैलाने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी तौर नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम में कोई इख्तलाफात नहीं थे। तंजीम ने फैसला किया और मैं यहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और क्यों ना लड़ूँ। मेरा पार्लिमानी इस पार्लिमानी हलके में मेरा असेंबली हलका है। जिस तरह सजाद लोन साहब उनका असेंबली हलका जो है इस पार्लिमानी हलके में है, जिस तरह पीडीपी के कैंडिडेट फयाज मीर का असेंबली हलका इस पार्लिमानी हलके में है, जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब का असेंबली हलका इस पार्लिमानी हलके में है, इसी तरह मेरा असेंबली हलका इस पार्लिमानी हलके में है। अब सिर्फ इतना है कि ज़िले का फ़र्क है। अगर आप सिर्फ इस बुनियाद पे जो है वोटों को तकसीम करना चाहते हो तो फिर सजाद लोन, फयाज मीर वगैरह इनको कुपवाड़ा ज़िले के बाहर एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। ये फिर बारामूला से इनको कोई वोट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इनको बांडीपुर ज़िले से कोई वोट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, इनको बड़गाम के वोटरों से कहना चाहिए कि हमें आपसे कोई वोट नहीं चाहिए, हम सिर्फ़ और सिर्फ कुपवाड़ा ज़िले के हैं। पार्लिमानी सीट में 18 असेंबली हलके हैं, कोई कहीं से भी हो सकता है, तो उसका क्या मतलब है कि यहाँ उनको इलेक्शन लड़ने का हक नहीं है या लोग उनको वोट नहीं देंगे। मैं खुल के सजाद लोन कहे कि मुझे बारामूला से कोई वोट नहीं चाहिए, मुझे इन बाकी जगहों से कोई वोट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ कुपवाड़ा का हूँ, मैं भी मानूँ। तो उमर साहब, ये जो रशीद इंजीनियर भी अब मैदान सियासत में कूद पड़े हैं, तो किस तरीके का चैलेंज है, क्या समझ रहे हैं? अरे मुझे तो अफसोस है कि उनको जेल से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, बड़ी अफसोस की बात है। उनको जेल में होना ही नहीं चाहिए था, और वो क्यों जेल में है हम सब जानते हैं। कौन उनसे सियासी तौर बदला ले रहा है, कौन इस बात का जिम्मेदार है कि इंजीनियर रशीद साहब जो है 2019 से बंद हैं। बाहर के लोग जाने ना जाने, लेकिन ज़िला कुपवाड़ा के लोग जो हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसका कसूर है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अभी तक उनके खिलाफ कोई जो है केस नहीं रजिस्टर हुआ है, कोई मुकदमा जो है अदालत में शुरू नहीं हुआ है, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं हुई है, ऐसे ही उनको बंद रखा गया है। अगर मरकज़ की हुकूमत और असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर के उनकी नई हुकूमत बन जाती है तो इंशाल्लाह इस नाइंसाफ़ी को भी हम दुरुस्त करेंगे। उमर साहब, ये भी है कि वाजपेयी साहब को आप लिबरल या आप मानते, मुझे फ़ख्र है मैंने उनसे काम किया है, मगर लोगों का सवाल है बीजेपी वही है जो मोदी ने बीजेपी में फ़र्क है ना, उस बीजेपी और इस बीजेपी में अगर लोगों को फ़र्क नहीं नज़र आता तो मैं क्या कह सकता हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो जमहूरियत, इंसानियत, कश्मीरियत की बात करते थे, वो दोस्ती की बात करते थे, वो अमन की बात करते थे, वो मुल्कों के रिश्तों को ठीक करने की बात करते थे। हाँ जब चले नहीं ना, शुक्रिया ना, शुक्रिया अभी नहीं ना, शुक्रिया। अगर इस बीजेपी और उस बीजेपी में उनको फ़र्क नज़र नहीं आता तो मैं क्या बताऊँ आप। वो वाजपेयी साहब थे जिन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद रोड खोला, वो वाजपेयी थे जिन्होंने पुंछ रावला कोर्ट का खोला, वो वाजपेयी थे जिन्होंने टंगधार का वो क्रॉसिंग पॉइंट खोला, जिन्होंने लाहौर बस लेके लाहौर चले गए थे, जिन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जो है पहली वो पहले हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म थे जो मीनार पाकिस्तान गए और वहाँ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अब इन दोनों मुल्कों के, इन दोनों बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी आपको कोई पछतावा नहीं, आप मिनिस्टर भी रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
तो उमर साहब, इसी तरह ये जो आजकल एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है कि जिस तरह कह रहे हैं कि गांवों वर्सेस सिटी के बांट रहे हैं लोग, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं क्या कहूँगा, मैंने कभी गांव के लोगों को और शहर के लोगों को, मतलब उनको अलग, मैंने उनके साथ अलग रवैया नहीं अपनाया है। मैंने गांव के लोगों की इतनी ही नुमाइंदगी की जितनी मैंने शहर के लोगों की की, और हमारे कई सारे मसले जो हैं वो एक ही हैं। अब जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, क्या वो सिर्फ गांव के लोगों को हुआ या क्या वो सिर्फ शहर के लोगों को हुआ? वो हम सबको हुआ। अगर आज हमारी ज़मीनों को खतरा है, क्या सिर्फ गांव के लोगों को खतरा है? शहर में भी बुलडोज़र चल रहे हैं। अगर रोशनी की स्कीम कैंसिल हुई और हमें उन ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, वो गांव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है। तो ये गांव और शहर की लड़ाई जो है, ये कुछ लोग सिर्फ इलेक्शन में फ़ायदा हासिल करने के लिए करते हैं, क्योंकि लोगों का बंटवारा जो है वो लोगों को तकसीम करने से उनको सियासी फ़ायदा मिलता है। तो बीजेपी का सवाल ये है कि आज उमर अब्दुल्ला बगैर सिक्योरिटी के निकलता है घर से, ये आपको बगैर सिक्योरिटी के नजर आता है, सिविल सिक्योरिटी के बगैर जाते हैं, ये हमने अमन करके दिखाया है कायम कर, इनके सरकार में ये बिना सिक्योरिटी का आपको दिखता है। और अगर वैसे भी मैं, चलिए ना, मैं एक मिनट के लिए मानता हूँ कि सारा कुछ ठीक है, तो बीजेपी के उम्मीदवार कहाँ है? वो अपने वो प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? 1996 के बाद हर इलेक्शन में, पार्लियामानी इलेक्शन खसूसन, बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। ये पहली मर्तबा है कि कश्मीर की तीनों सीटों पे बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो है नहीं 96 के बाद। क्यों नहीं है ये आप उनसे पूछिए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, लोगों को धोखा दिया है, यहाँ लोगों को सताया है, तंग किया है, गिरफ्तार किया है, पता नहीं कितने हमारे नौजवान जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में सड़ रहे हैं। ये बीजेपी की देन है और इन्हीं लोगों की मदद ये प्रॉक्सी पार्टी वाले कर रहे हैं। जहाँ तक सिविल गाड़ी में घूमना या इस तरह फिरना, ये तो मैंने वजीर आला के तौर पे किया है, आज ये कोई आज की बात नहीं है। मैंने वजीर आला की कुर्सी पे बैठ के नॉन बीपी गाड़ी में जो है शुपिया, पुलवामा, इन जिलों का, कुलगाम, इन जिलों का दौरा किया है बर्फ में हालात देखने के लिए। सरकार का ये भी दावा है कि पथराव से लेके जो आज टूरिज्म, ये आपके दौर में या जो पॉलिटिकल रिजीम थे, जो यहाँ की जो तबाही मचा दी थी इस पॉलिटिकल रिजीम ने, तो ये इन्हीं की ये सवाल आपको उनसे करना होगा जो ये पथराव कराते थे। हम तो हमेशा पथराव के खिलाफ थे, हमने कभी ये जो कॉल नहीं दिए, यहाँ चलो, वहाँ चलो, इधर जाओ, उधर जाओ, ये यहाँ फेसबुक पे लिखो, दीवार पे लिखो, ये तो जिन लोगों ने वो किया था, ये उनसे पूछिए ना आप कि ये रुका कैसे और क्या हुआ। हालात के मैं तो मानता हूँ कि जितनी सख्ती इस हुकूमत ने की है और किसी हुकूमत ने नहीं की होगी, जितने नौजवानों को गिरफ्तार, उनको वेरिफिकेशन नहीं होता है, पासपोर्ट नहीं मिलता है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, उनके रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों से निकाला जाता है, उनको धमकाया जाता है, ये तो आज का हाल है। उमर साहब, आपका मैनिफेस्टो अभी इस वक्त आइडेंटिटी बहाल करना, वकार बहाल करना, दूसरी साइड लोग कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट देना है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहाल करना है, तो कितनी फ़र्क है इसमें? जो अभी फर्क, कौन कहता है कि सिर्फ एक ही चीज़ करनी है हमने? हम क्या कहते हैं, हमने कब कहा कि हम सिर्फ आइडेंटिटी ही करेंगे और डेवलपमेंट नहीं करेंगे? लेकिन हम ये कहते हैं कि इस इलेक्शन में, क्योंकि ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इस इलेक्शन का डेवलपमेंट से कम लेना देना होता है। मेंबर पार्लियामेंट का कितना रोल रहता है डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट का रोल तो असेंबली का होता है, डेवलपमेंट का रोल जो है मौजूदा हुकूमत का होता है, और वो भी अगर हमें ये मालूम नहीं होता कि 2 महीने के बाद जो है दोबारा इलेक्शन होने हैं असेंबली के, तो हम डेवलपमेंट के भी बहुत इश्यूज जो हैं इस इलेक्शन में उठाते। लेकिन हमें मालूम है कि अगर सितंबर में एमएलए के इंतखाबात होने हैं, उसमें डेवलपमेंट का भी इशू होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की को रिलेटेड इश्यूज होंगे, उसमें मुलाजमत और ये रोज़गार के मुद्दे होंगे, तमाम मुद्दे उसमें होंगे। तो इस इलेक्शन में भी हम उन मुद्दों को टच कर रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है, वो सियासी है, वो हमारे आईन को लेके है, हमारी खसूसी जो पोजीशन है, हमारा जो खसूसी दर्जा है, उसको लेके है। तो जाहिर सी बात है, हम उस पर ज़्यादा बात कर रहे हैं।
तो आपने आइन की बात की, वो कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत को लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इससे पहले इन्होंने ज़्यादा सरकार चलाई है, टाइम इनके पास ज़्यादा था, हुकूमत इन्हीं के पास ज़्यादा थी, सदर रियासत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने किया है। गिनूंगा नहीं कितने साल किसने किए, लेकिन लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो खसूसी जो हमारे स्पेशल स्टेटस है या जो हमारे 370 के तहत जो हमें सारे पावर्स मिल गए थे वो किसके दौर में कम होना शुरू हो गए, शेर कश्मीर के गिरफ्तार होने के बाद 1953 में, उसके बाद ये हुए और लगातार जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर रही ये साजिशें जो हैं ये यहाँ पर कामयाब हुई। मैं आज भी मान के चलता हूँ कि अगर 2014 में पीडीपी ने हमारा दोस्ती का हाथ पकड़ा होता आज हम इस मुश्किल में नहीं होते, आज हमारा अपना आइन होता, महफूज होता, हमारा अपना झंडा होता, हमारा अपना 370 होता, क्योंकि वो हुकूमत जो है 2021 तक चलती और फिर नए इंतखाबात होते, 2019 का ये होता ही नहीं अगर उन्होंने हमारा दोस्ती का हाथ पकड़ा था, लेकिन नहीं पकड़ा। उस वक्त उनको लगता था कि उनको हमें हुकूमत से बाहर रखना है, जैसे हम कोई बड़ा फ़ायदा हासिल करने वाले थे उस हुकूमत से, हमने तो बिना शर्त उनको जो है मदद देने का ऐलान किया था, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए था, कोई मिनिस्ट्री नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कोई राज्यसभा नहीं, कोई चेयरमैन ही नहीं, कुछ नहीं, हमें सिर्फ उनसे एक गुजारिश थी कि आप बीजेपी को बाहर रखो, नहीं माना उन्होंने और लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो ये आप मान के चलते हैं कि 2014 टर्निंग पॉइंट था? हाँ, टर्निंग पॉइंट, अगर उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन नहीं हारती हम इस मुश्किल में नहीं होते। अच्छा उमर साहब, 96 में आपके पास तकरीबन 57 मेंबर्स थे अगर मुझे याद है, तो आपने भी रेजोल्यूशन पास कराया, ये बीजेपी शायद सब मरकज में थी, तो उस वक्त रद्दी की टोकरी में डाला गया था वो, तो क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ नहीं कहूँगा, जिसपे इस पे बार बार तबसरा हुआ है ना। आप कहाँ 1996 वाली बात कर रहे हैं, वो रेजोल्यूशन आज भी जिंदा है, जबकि वो रेजोल्यूशन आज भी जिंदा है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल की प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट का एजेंडा है, उसको किसी चीज के साथ उसको रिप्लेस नहीं किया गया है, उसके बरक्स कोई और रेजोल्यूशन लाया नहीं गया है। आप कोई और रेजोल्यूशन लाइए फिर हम बात करेंगे। होम मिनिस्ट्री ने और रिकॉर्ड बोला कि ये आरजी था। क्या था? यानी ये जो इलाहा था ये आरजी था, अगर इनको करना था उन्होंने जिस तरह हमने लिया पार्लियामेंट में, उन्होंने असेंबली में क्यों नहीं किया? हमने तो लाया और असेंबली से पास कर दी, लेकिन हमें असेंबली से पास करने के बाद मरकज से लाना था ना, वो वहाँ पे बातचीत जो है वो हम मंजिल तक पहुँचा नहीं पाए, लेकिन वो रेजोल्यूशन आज भी जिंदा है, वो रेजोल्यूशन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, वो मरा नहीं है, वो आज भी कोई भी हुकूमत होगी वो उस हुकूमत का एजेंडा है। तो आप अगर पार्लियामेंट में ये किस तरीके से लोगों को इत्मीनान देंगे, आप लोगों को ये जो लोगों को अब ये पता चल रहा है कि जो चला गया तो किस कौन कहता है कि जो चला गया जिस तरीके आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पास था ही नहीं, अगर असलम साहब अगर आपकी ये बात सही है कि जो चला गया और लोग इसको तस्लीम करते हैं, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवार जो है इस इलेक्शन में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये इलेक्शन ये क्या के लड़ रहे हैं कि अगर आप 5 अगस्त 2019 के खिलाफ हो तो हमें वोट दे दीजिए ताकि हम उसको दोबारा बहाल करने में जो है अपनी जिद्दोजहद जारी रखें, लेकिन अगर ये कह के हम जो है अगर आप ये कह रहे हो कि लोगों ने तस्लीम कर लिया है अब उनको नहीं चाहिए दिल्ली से कुछ, तो ठीक है फिर इलेक्शन में वो वोट उसी हिसाब से दे दें, फिर दे दें ना बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट। तो बीजेपी का इल्ज़ाम है कि डायनास्टी रोल जो है यहाँ खानदानी राज, इसको बीजेपी को छोड़ दीजिए ना, ये जमहूरियत है, जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो तय करेगी, मुझे बीजेपी के कहने पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ के वोटर डिसाइड करेंगे ना उनको क्या चाहिए। तो उमर साहब, एक मैं भी आपके साथ था, आप मैंने देखा है लोगों ने ट्रांसफार्मर की बात की है, मैंने लोगों ने सड़कों की बात की, लोगों ने फूड सप्लाई में मामले स्टोर की बात की है, तो क्या लग रहा है आपको कितनी मतलब ज़रूरत है आगे जाने की? तो क्या लग रहा है? आगे जाने की तो ज़रूरत है, लेकिन इसी से आपको पता चल जाता है कि बीजेपी के ये नारे जो हैं या इनके जो बयान है वो कितने खोखले हैं,
अगर नया जम्मू कश्मीर बना है, अगर हुकूमत जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से काम कर रही है, तो ये लोग फिर ट्रांसफार्मर क्यों मांग रहे हैं? सड़क की खस्ता हालत क्यों है? राशन की कमी क्यों है? दूर दराज इलाके जो बिल्कुल सरहद पे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, मुश्किल से 50 मीटर का फर्क है उस तरफ के कश्मीर का और इस तरफ के कश्मीर में, अगर वो राशन के चावल के दानों के लिए तरस रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है उससे कि ये बीजेपी वाले कितने फेल हो गए हैं। तो फिर क्या मिला यहाँ के लोगों को 370 हटाने के बाद? उन यहाँ के लोगों को तो ये कहा गया था कि आपकी हुकूमत बेहतर होगी, सारा निज़ाम बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ ना। उमर साहब, आज महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ जगहों पर दफ़ा 144 नाफिज किया गया है, ये जो ये इलेक्शन की खिलाफ वर्जी वगैरह वगैरह, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं अब केरन में आपके साथ था, किसको फुर्सत थी कि मैं किसी और की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूँ? मैं, मुझे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त नहीं होता अगर मुझे किसी चीज़ पर करना पड़ता। फ़ोन तो वहाँ चलते नहीं है, इंटरनेट वहाँ चलता नहीं है, मुझे क्या मालूम है ना महबूबा ने क्या कहा और किस अंदाज में कहा। क्या उम्मीद रखेंगे लोग आपसे भी कि आप करके दिखाएंगे जो आप बता रहे हैं? मैं बार बार अपनी तकरीरों में वही बात कर रहा हूँ, जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हो उसी चीज़ का जवाब मैं बार बार तकरीर में कर रहा हूँ, और लोग जो हैं वहाँ हमारे प्रोग्रामों में हिस्सा लेके हमारी तकरीरें सुन रहे हैं। अब अगर हम लोगों को कन्विंस कर पाए और उन्हें मुतमाइन कर पाए तो इंशाल्लाह वो हमारे हक में वोट डालेंगे। तो अभी आपकी तकरीर मैंने सुनी, आप अपने तकरीर में बोला कि मेरा अगर आपको वोट डालना है तो नंबर पर मेरा है, कोई खदशा है आपको? बीच बीच में उनका ज़रा रोल थोड़ा उल्टा सीधा रहता है, लेकिन ये इलेक्शन में हो जाता है ना, ये अजीब से फैसले होते हैं, जैसे आज हमारा जलसा जहाँ पर हम वैसे करते आए हैं, हम तो बिल्कुल मतलब ज़ीरो पॉइंट पे करते हैं, हम जलसा वहाँ करते हैं जहाँ पे उन्होंने फिर बैठ के चाय पी, लेकिन इस बार उन्होंने उस बात की इजाज़त नहीं दी, बिल्कुल शहर के बाहर अड्डों में हमसे प्रोग्राम करवाया। ये बीच और जैसे उन्होंने पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करवाने की कोशिश की सोपोर, बारामूला और रफियाबाद में, ये बीच बीच में हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं ना। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, मैं ये इलेक्शन किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ या किसी एक तंजीम के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ, ये तो दिल्ली की हुकूमत, बीजेपी, आरएसएस, नागपुर, ये सब मिले हुए हैं इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए। तो आखिर पर ये सवाल है उमर साहब, लोग इससे पहले भी मैंने कहा कि लोगों में जब आप ये एब्रोगेशन के बाद सब लीडरों को बंद रखा गया है, तो कुछ लीडरों का ये सवाल था कि लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ बंद हो गए हैं, उन्होंने कुछ क्या दिखाई दे दिया हमें, तो उसके बाद आप जब बाहर निकले तो आप आपके बयान से हमें पता चला कि मैंने यह कहीं से नहीं सुना। अब आप लोग उस वक्त घूम रहे थे, पता नहीं आपको कहां तक घूमने की इजाज़त दी गई, लोग क्या निकल के करते, आप खुद अपना काम नहीं कर सकते थे उन दिनों, मुझे लगता है आपको घर से वो जो सरोवर पोर्टिको जहाँ पे वो मीडिया सेंटर खोला हुआ था, घर से वहाँ तक और वहाँ से वापस घर, उससे बाहर आपको जाने की इजाज़त कहाँ थी? और लोग अपने घर से बाहर नहीं आ सकते थे, मुझे याद है मैं उस वक्त हरि निवास में बंद था, मैं शहर के ऊपर वो हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स उड़ते हुए देख रहा था, गली गली में पैतार लगी बांधी हुई थी, यहाँ तक कि हमारे जे एन के पुलिस वालों को इन्होंने बेइज्जत किया, उनको डिसार्म करके थानों में रखा, उनको बाहर निकलने नहीं दिया। अच्छा किया कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है, खासकर कश्मीर के लोग, वो बाहर नहीं आए, उन्होंने अपनी अपनी नाराज़गी का सड़कों पर इजहार नहीं किया, क्योंकि अगर करते तो ये लोग पता नहीं कितने ताकत का इस्तेमाल करते। लोगों ने समझदारी से काम लिया और अकल से काम लिया और अच्छा किया। उमर साहब, जब आप वहाँ से निकले, मतलब जेल से रिहाई हुई आपकी, मुझे लगा आप डिसइंटरेस्ट थे आप सियासत, इस वजह से कि जब आपने देखा कि मैं, हालांकि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूं जब तक न ये जो बहाल होगा 370 वगैरह, तो मुझे लगा डिसइंटरेस्टेड नहीं ना, कौन कैसे, आप कैसे कह सकते हो मैं डिसइंटरेस्टेड था, लेकिन परेशान तो था हालात को लेकर हम सब थे। मैं 8 महीने से अपने किसी साथी से मैंने मुलाकात नहीं की थी, बात नहीं की थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे बाकी साथियों पे क्या गुजर रही थी, उनको क्या किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था,
और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आमतौर पे लोगों का मूड क्या है, लोग क्या सोचते हैं सियासत के बारे में और हालात के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।